में नहीं जा सका, मगर सदन में जाने और न जाने का कभी जिंदगी में कभी मलाल नहीं रहता, मगर यही रहता है मन में हसरत कि यह झंडा, यह पार्टी, यह साइकिल दिल्ली और लखनऊ में जब राज करती है तो कलेक्टर और कप्तान मेरे टेलीफोन को एक सेकंड में उठाता है। ये हम यकीन करो साथी, आज कौन से दौर से आप गुजर रहे हो, किस तरह के दौर से गुजर रहे हो, कौन सी ताकतों को आप मुकाबला कर रहे हो, कौन सी ताकतें हमारे ऊपर हमलावर है, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में इस देश की गुलामी किया था, जिस लोगों ने मुल्क की आजादी में इस देश के आजाद भारत में जो अगली कतार में खड़े हुए थे उनकी मुखबिरी करने का काम किया था, आज वही लोग इस मुल्क की ताकत को, इस मुल्क की शहीदत को, इस मुल्क की शहादत को, इस मुल्क के लोगों को गद्दारी वतन करते हैं, उसका भी आपको मुकाबला करना है और उसका भी जवाब देना है। अगर नहीं ताकोगे, नहीं जागोगे, नहीं उठोगे, नहीं चलोगे, नहीं बूथ पर आओगे, यकीन मानो साथियों, राजू राय एक प्रतीक हो सकता है, राजू राय एक व्यक्ति हो सकता है, राजू राय एक आदमी हो सकता है, मगर मुलायम सिंह यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी इस झंडे को बनाया था, मुलायम सिंह यादव ने इस साइकिल को चलाया था, मुलायम सिंह यादव ने बैजनाथ जैसे लोगों को, अल्ताफ जैसे लोगों को, राम जतन जैसे लोगों को, सुधाकर जैसे लोगों को, राजेंद्र कुमार जैसे लोगों को इस साइकिल को पहुंचाकर दिल्ली की लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहते थे, भेज देते। आज नेताजी नहीं है, नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है, नेताजी के पास अगर पहला चुनाव है तो हमारी और आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है साथियों। आज नैतिक वह जिम्मेदारी है कि हम बूथ को कैसे जीते, हम बूथ को कैसे जीतेंगे, हम पार्टी कैसे जीतेंगे, विधानसभा कैसे जीतेंगे, प्रत्याशी कैसे जीतेगा, यह बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को अगर आप स्वीकार करके चले जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। कल मैंने कहा था अपने नेता सुधाकर सिंह से, आज अपने भाई बैजनाथ जी, अपने भाई राजेंद्र कुमार को, हम अहमदाबाद के पलटन के लोगों आपको चैलेंज करके जाता हो, आप अगर 1.5 लाख दोगे तो 1.25 लाख दूंगा, अगर आप 1.25 लाख दोगे तो 2 लाख दूंगा, आ रहा हूँ। मगर मऊ सदन से इतनी बड़ी ताकत से, इतनी बड़ी ताकत से जिताऊंगा, इतनी बड़ी ताकत से जिताऊंगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हारा जरूर हो, मन नहीं हारा हो, चुनाव हारा हो, दिल से नहीं हारा हो, चुनाव हारा हो, अपने नेता को जीता हो। आओ साथियों, आपका भाई होकर, आपका बेटा होकर, आपका साथी होकर आपसे वोट की भीख मांगता हो, अपने लिए नहीं, मोटा होने के लिए नहीं, पतला होने के लिए नहीं, राजनीति में गलत और कप्तान पर हमला होने के लिए नहीं। जिन लोगों ने हमारी दस्तकारी के नाम पर हमारे अंगूठे काटे थे, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी को पाने के लिए इस तिरंगे झंडे को फहराया था, आज वही ताकतें, वही नफरत भरी ताकतें हम पर भी सुबह कर रही है और मुल्क के शहीद लोगों पर भी सुबह कर रही है। इसलिए मोहम्मदाबाद के क्रांतिकारी साथियों, एक बार आप सबको मुबारकबाद। अमान भाई मन बड़ा है, ये कार्यकर्ता जाएगा, जाओगे, अगर जाओगे, अगर आप भाषण सुन के जाना चाहते हो, नहीं, अगर आप थ्योरी से बर्दाश्त नहीं करोगे तो इस मुल्क की फासिस्टवादी ताकतों से लड़ना है। थ्योरी से गर्मी बर्दाश्त करो, ऑल इंडिया रेड पुलिस प्रशासन का जुर्म होगा बर्दाश्त करो, और हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, सुधाकर सिंह उसके प्रतीक गवाह है। एक तरफ पुलिस की लाठी चल रही थी, पुलिस का प्रशासन का उत्पीड़न चल रहा था, और समाजवादियों की पलटन चल रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी, समाजवादियों की पलटन चल रही थी, तुम गली गली थे तो हम टगर टगर थे, तुम टगर टगर थे हम नगर नगर थे, हम हर तरह से तुम्हारा मुकाबला करके इसी घोषी से ताकत दिए है। एक बार इस घोषी लोकसभा के भाइयों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सेवक, तुम्हारा अपना आज तुमसे वोट की भीख मांगता है, राजू राय के लिए नहीं, मुल्क की संविधान बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत बचेगी, मुल्क का संविधान बचेगा, तो राजू राय आज नहीं कल दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएंगे, और दिल्ली की जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है,
क्या हुआ? जय बहादुर झारखंड जय कल्पनाथ और रामधन के बाद नाम कहीं चर्चा में आता है? नाम कहीं चर्चा में है? नाम कहीं कोई पता है? इस मुल्क की पूरी पूरी तरीके से भाइयों, ये पूरा घोसी लोकसभा सन्नाटा है और दिल्ली की लोकसभा घूमनी और बहनी बनकर तमाशा देख रही है। अगर कहीं आजमगढ़ जब धर्मेंद्र यादव बोलेंगे, गाजीपुर बोलेगा, जौनपुर बोलेगा, बस्ती बोलेगा, सिद्धार्थनगर बोलेगा, खलीलाबाद बोलेगा, गोरखपुर बोलेगा, देवरिया बोलेगा, पुराना बोलेगा, तो कल घोसी क्या करेगा? घोसी बोलेगा, कौन बोलेगा? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी राजू राय बोलेगा। राजू राय को लगातार चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज कौन कर रहा है? मेरा घुमनी आदरणीय राजू राय साहब, ये समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वर्गीय कपिल देव सिंह, आप ही इनके समाज के कहे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ मेला घुमनी ताकतें हैं जो लगातार घूमती है, यही मेला घुमनी वही है। कभी बलिया गए, कभी शिवपुर गए, कभी मऊ आए, कुमाऊं की ताकत के लोगों, एक बार इस मेला घुमनी को घोसी लोकसभा के बाहर करने के लिए संकल्प लेके चले जाओ। अगर हम लोगों ने कर दिया तो फिर कभी कोई आपकी तरफ आगे गए। इन्हीं सब बातों के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद।